और हमारा मंडल और सेक्टर ही चुनाव ने फैसला करवा दिया। पर एक जो बात है कहनी बहुत आवश्यक है, समय में परिवर्तन हो, समय को कोई रोक नहीं सकता। ये समय का परिवर्तन हमें पहचानना, जो 2 साल पहले था, 5 साल पहले लोगों की सोच थी, नजरिया था, आज उसमें बहुत अंतर है। पर ये समय को पहचानते हुए क्या परिवर्तन हम में है? बहुत सारे लोग मेरे साथ जो सालों से मेरे से जुड़े रहे छिंदवाड़ा में, आज जो उनका वजन था नहीं है। स्वास्थ्य बदल जाता है, परिस्थितियां बदल जाती हैं, पर हम सोचें कि यही उन पर वही बोझ डालें जो हम 10 साल पहले डालते थे, 20 साल डालते थे, बहुत बड़ी भूल हो जाएगी। आप सब यहां मंडल और सेक्टर के जिम्मेदार व्यक्ति हैं। आप यहां आई क्यों है? यहां कोई ठेका नहीं मिल रहा, यहां कोई कमीशन नहीं मिल रही, आप इसलिए यहां आए अपना घर छोड़ के, अपना परिवार छोड़ के, अपना काम छोड़ के, क्योंकि आपको कांग्रेस के प्रति, कांग्रेस के संस्कार, कांग्रेस के संविधान, कांग्रेस के इतिहास के प्रति आपकी निष्ठा है। आपकी निष्ठा आपको यहां खींच के लाई, इसलिए ये निष्ठा, इस निष्ठा, अब 3 दिन बचे हैं, 3 दिन केवल बचे हैं। और एक बात तो स्पष्ट मैं कहना चाहता हूं, फसल तो सामने कटेगी ना, फसल सामने कटेगी। ये सब सोचें कि ये लहर है, फलानी चीज है, इन पर कुछ मत सोचिएगा। कैसे हमारे मतदाताओं तक आप पहुंचे। पहले एक नेता 10 गांव में चला जाता था और कांग्रेस को वोट देना सब गांव मान जाता था। आज तो एक मकान में बाप बेटा चाचा चाची अलग वोट डालते हैं, सही बात है। तो जब तक आप एक एक तक नहीं पहुंचे, आपको कोई माफी मांगनी नहीं। 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही जी से, कैसे ये बिकाऊ राजनीति जिससे हमारा पूरा मध्य प्रदेश करंचित हुआ। गोवर्धन जी नहीं रहे, इसलिए आज ये उपचुनाव है। पर कांग्रेस की सरकार नहीं रही क्योंकि सौदेबाजी। आम जनता समझ रही है, आम जनता इसे पहचान रही है। और 15 महीनों में, जिसमें से 2-2.5 महीने गए लोकसभा चुनाव में, 1 महीना गया सौदेबाजी में, 11.5 महीने में हमने कांग्रेस की नीति और नियत का परिचय दिया मध्य प्रदेश की जनता को। 11.5 महीने ही थे, शुरुआत करी थी। तो आपको कोई माफी नहीं मांगनी, आपको तो समझाना, हमने शुरुआत करी थी, हमारे पास 11.5 महीने थे। पर आज भारतीय जनता पार्टी 15 साल का हिसाब नहीं दे पा रही, पिछले सात महीनों का हिसाब नहीं दे पा रही। शिवराज सिंह जी ध्यान मोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, इधर की बात करो, उधर की बात करो, इससे आपको जनता को सतर्क रहना। नवंबर 2018 में मध्य प्रदेश के वोटर्स ने, मतदाताओं ने, हमारे ब्यावरा के मतदाताओं ने कांग्रेस को शासन में बिठाने का तय किया था, बीजेपी को विदा किया था नवंबर 2018 में। कौन सी चीज हुई जो वो अपना फैसला बदले? कौन सी चीज हुई जो अपना फैसला बदले? पिछले 7 महीनों में क्या हुआ? तो इसीलिए आपको कोई माफी नहीं मांगी, आपको तो जनता का ध्यान आकर्षित करना है। शुरुआत करी थी, समय होता बहुत कुछ करते। 15 साल हमारे पास नहीं थे, हमारे पास तो 15 महीने थे। तो मैं तो आपसे बड़े संक्षेप में ये निवेदन करना चाहता हूं, अगले 2-3 दिन आप सब कुछ भूल जाइएगा। ये अग्नि परीक्षा है, ये अग्नि परीक्षा है, और इसमें सब मिलकर काम करें। मुझे रोज रिपोर्ट आती है,
मैंने अभी पुरुषोत्तम डांगी को बधाई दी कि अच्छा काम कर रहे हो, तब मुझे रिपोर्ट आई है। ये बात बता दूं पुरुषोत्तम, मैं बता दूं कि मेरी तेरी क्या बातचीत हुई थी भोपाल में, बता दूं? काम कर रहा था पहली बार। परशोत्तम ने ही मुझे कहा था, बोल देता हूं। मैंने इससे पूछा क्या किया जाए, इसने कहा आप रामचंद्र गांधी को टिकट दे दो। मैं पूरी बात कर, उसके बाद कोई चर्चा की तो बात बची नहीं थी। ये मैं खुलासा कर रहा हूं, मैंने तो परशोत्तम को कहा कि याद है क्या बात हुई थी हमारी, जैसे मैं उतरा और मुझे खुशी